से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि आपको पता है यदि आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो टिकटॉक पे आपको 50 से 60% वीडियो आपको स्लोमो और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो किस प्रकार आप बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना 4 से 5 सेकेंड तक। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट करना है। वीडियो शूट जब भी करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से ही वीडियो शूट किया हूं। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले आपको म्यूट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, आपको इसमें देखना एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है, यदि एक्स्ट्रा पार्ट लेफ्ट साइड का है तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पे आना है और आपको यहाँ पे 0.5 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसे ओके करते हैं। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। जब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो फिर से आपको इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा स्लो हो जाता है वो स्लो नहीं होगा। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल करना है, कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है, 2.3 या 2.4 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे स्लोमो में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में यदि एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो को लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो को आगे तरफ प्ले कराना है और आपको यहाँ पर देखना है 2 से 3 सेकेंड तक का वीडियो चाहिए और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। वीडियो पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसके हम सेंड टू बैक कर देंगे। जब हम वीडियो फाइनली प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से सेकेंड पार्ट पे आना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से हमें ग्रीन स्क्रीन यानी कि ब्लैक कलर दिख रहा है। तो आपको 5.8 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट का वीडियो आपने एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको वीडियो में देखना आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो सेकेंड पार्ट का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो प्रेस करके रखेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है और जहाँ से आपका ब्लैक कलर दिख रहा है तो आपको 5.6 के आसपास आना है। कुछ इस तरह से प्रेस करके रखना है, इसे आपको यहाँ तक लेकर आ जाना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपका वीडियो जो है उस वीडियो का ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो मैं दोनों वीडियो में के ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूं और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसे भी आपको कुछ इस तरह से ट्रिम टू राइट कर देना है और आपका वीडियो जब प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जब आपका वीडियो प्ले कर देखेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। फाइनली वीडियो आपका तैयार हो चुका है। यदि आप अपने वीडियो का कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर कलर एडजस्ट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो आप दोनों वीडियो को भी कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें आते हैं हम कलर फिल्टर पे, और यहाँ से आप कलर फिल्टर से भी डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेनर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।